पहना रखा है एल्युमिनियम का कांटे वाला, ताकि लेपर्ड होते हैं यहाँ पे और लेपर्ड हमला करते हैं गले पे, और ताकि इस कुत्ते की जान बच जाए। 3:45 हो गए हैं और वापस अपने कैंप आ गए हैं थक हार के। तो भाई ये रिजोर्ट है, रात को दिख नहीं पाया था, नदी बह रही है, घोड़े घास चल रहे हैं और उन कैंपों में हम रुके थे, तो ये नजारा है। मतलब भालू रहता है वहाँ पे जंगल में। यहाँ पे आप जो फोटो दिखाते हो झरना कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से आधा पौन किलोमीटर है नीचे। अच्छा, और बहुत जबरदस्त झरना है। तो अभी मेरे भी क्लाइंट गए थे, फॉरनर्स आए थे, तो उनके साथ गाइड था, एक गाइड मैंने भी भेजा, लेकिन मुझे डर तो लगा ही था कि अब फॉरनर्स है, चलो इंडियन है तो इतना वो नहीं होता है, लेकिन फॉरनर्स की उससे डर लग रहा था मुझे, लेकिन सेफली सब आगे सेफली आ गए। बाई चांस वाली बात होती है, बाई चांस वाली बात होती है, भालू रहता है वहाँ पे जंगल में। तो मतलब आपके गेस्ट आते हैं उन पे एक दो पे रिकमेंड नहीं करते, जाना तो झुंड में ग्रुप में जाओ, उसमें ग्रुप में ही फायदा है, ग्रुप में ही फायदा है। 5 साल आदमी हो ना, तो तब भालू भी एकदम से अटैक नहीं करता। और बज रहे हैं सुबह के 5:15 और हम यहाँ से बैक टू डायरेक्ट ऋषिकेश, और फिर मैं वहां से अपनी बाइक पिक करके देहरादून जाऊंगा और ये लोग अपने अपने डेस्टिनेशन में निकल जाएंगे, तो देखते हैं रास्ता कैसा होगा, ज्यादा मेमोरी नहीं है फोन में। हम यहाँ पे सड़क पे आ गए हैं और हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का, और गाड़ी भी आ गई है। विवेक भाई और चौहान जी, हम सब वेट कर रहे हैं, फॉरेस्ट से आए निकल के और कार आ गई है। तो चौहान जी को लीज चिपक गई है पैरों पे, अभी गाय को हटा रहे थे सड़क पर उतर गई इतनी देर में, और मेरे भी चिपक सकती है एक्चुअली, चप्पल में कभी भी सफर ना। तो देखो कितना घना जंगल है ये, और इसमें फॉग कितना है कि लाइट जलानी पड़ रही है हमें दिन में भी। कार में थे और हमें ये दिखा झरना चलते चलते रास्ते में, और क्या मिल्की वे वाटरफॉल है। सो गाइस चलते चलते हमें ये दिखा, पेड़ टूटा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, हम बहुत अच्छी तरह से निकल रहे थे बहुत तेजी। नहीं देखो अच्छी चीज है, देखने को सो गाइस चलते चलते जा रहे हैं, यहाँ पे एक वाटरफॉल दिखा है बहुत ही खतरनाक जंगल में। कुछ फूल लो, अरे कस्तूरी में रख दो, कस्तूरी में रख दो। मंदाकिनी रिवर केदारनाथ की तरफ से आ रही है। हमने अगस्त मुनि पार कर लिया और थोड़ी देर में रुद्रप्रयाग आ जाएगा, तो हमने अगस्त मुनि से कुछ बन और ब्रेड ले लिए, मतलब मक्खन ले लिया था, तो हम अब यहाँ पे इसको बना रहे हैं चाय को, और फिर थोड़ी देर में निकलते हैं ऋषिकेश के लिए। तो भाई मंदाकिनी नदी यहाँ से बह रही है जो केदारनाथ से आ रही है, और ये देखो कितनी खतरनाक विकराल रूप में मंदाकिनी नदी बह रही है, आवाज भी बहुत कर रही है। 1:37 और हम ऑलमोस्ट शिवपुरी के बहुत नजदीक हैं, और हम यहाँ पे मैगी खाएंगे और फिर अपने अपने रास्ते जाएंगे। एक्चुअली मैंने अपनी बाइक रिजॉर्ट पे छोड़ दी थी, जंगली रिजॉर्ट पे, वहाँ पे जो केयर टेकर है शमशेर जी, तो उन्होंने मेरी बाइक ऋषिकेश ड्रॉप कर दी है, मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था, और अभी मैं अपनी ऋषिकेश से बाइक पिक करूँगा और सीधा देहरादून अपने घर पर, और ये लोग निकल जाएंगे अपने अपने डेस्टिनेशन पे। लगा रहे हैं तो शिवपुरी हमने क्रॉस कर लिया है, तो ये लड़का देखो डायनामाइट्स लगा रहे हैं ये, और पहाड़ को उड़ाएंगे थोड़ी देर में, ये देखो छेद हो रखे पहाड़ के अंदर। तो फिलहाल हमें ये रोका गया है और इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं थोड़ा सा गाड़ी को दूर कर लिया जाए। तो भाई ये रोड चौड़ी करने के लिए लगा रहे हैं, देखो इसमें तार लगाया है और इस तार को काट देंगे अंदर डाल के। वी आर इन ऋषिकेश, ऋषिकेश पहुंच गए हैं, और यहाँ से थोड़ा सा पानी भर रहे हैं बोतल में घर ले जाने के लिए,
थोड़ी देर में मैं अपनी बुलेट कलेक्ट करके अपने घर निकलता हूँ। और मौसम देखो कितना बढ़िया आ रहा है, हो सकता है बहुत तेज बारिश होने वाली है, बादल आवाज कर रहे हैं या उस तरफ हो रही होगी।